नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल के ऊपर। आज हम आपके लिए गैस्ट्रिक और कॉन्स्टिपेशन की जिन जिन को समस्या होती है उनका बहुत ही अच्छा एक रामबाण उपाय लेकर आ रहे हैं, जिसके द्वारा आप किसी को भी अपने घर पर भी ये उपचार करके आप उन्हें ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो आपको किस प्रकार से ये करना है आइए हम बताते हैं आपको। आपको क्या करना है, जो अपना नाभि है राइट साइड, अपनी राइट हैंड की तरफ अपनी नाभि से 6 अंगुल नीचे की तरफ आपको कैसे देखना है, तिरछा यहाँ से नीचे, जैसे 4 अंगुल हो गई, फिर यहाँ से 2 अंगुल लगाइए और फिर इस प्रकार से यहाँ पर आपको दबाना है। यह है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए, जिसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है उसके लिए है ये। यहाँ पर आपको दबाकर लगभग 30 सेकंड तक होल्ड करना है। ठीक है, 30 सेकंड तक होल्ड करना है और फिर वापस इसे छोड़ देना है। फिर से 30 सेकंड तक होल्ड करना है, वापस इसे छोड़ देना है। इस प्रकार से आपको ये 3 बार करना है। अभी हम 30 सेकंड होल्ड करके आपको नहीं बता रहे, लेकिन आपको लगभग 30 सेकंड तक होल्ड करना है। इससे क्या होगा कि जो आपकी गैस्ट्रिक की समस्या है उसमें तुरंत ही आराम मिलेगा। और फिर बात करते हैं जिसके कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने लेफ्ट साइड यहाँ से भी आपको 6 अंगुल नीचे की तरफ अपनी नाभि केंद्र बिंदु से 6 अंगुल नीचे की तरफ इस प्रकार से 4 और फिर 2 6 इस प्रकार से इस जगह के ऊपर आपको थोड़ा सा दबाकर ऊपर की तरफ फोर्स लगाना है। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे ऊपर की तरफ इस प्रकार से, ये कम से कम भी आपको 30 से 40 बार करना है। उसके बाद थोड़ा सा रुककर फिर से करना है। इस प्रकार से करते जाइए। इससे क्या होगा, जो आपको गैस्ट्रिक और कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है वो आपको 10 से 15 मिनट में जो दिक्कत हो रही है वो ठीक होने लग जाएगी। तो आप कभी भी ये घर पे कर सकते हो। अगर आपको गैस्ट्रिक या कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है तो आप घर पे कर सकते हो और इसका इलाज आप स्वयं कर सकते हो। तो धन्यवाद, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।